चौधरी भूपेंद्र का दावा, जनता का गठबंधन योगी मोदी के साथ है, सपा का कुनवा इस बार भी होगा साफ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश भाजपा की नई टीम में हर समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसके बाद भी कुछ समाज यदि रह गए हैं तो उन्हें अग्रिम मोर्चों, विभाग और प्रकोष्ठों में अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा ने लगातार अच्छा काम किया है, आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। चौधरी ने कहा कि सपा के गठबंधन इस बार फिर फेल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सोमवार को अपने आवास में प्रमुख बातचीत में कहा, संगठन का गठन 3 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रीय कार्य समिति ने विशेष परिस्थिति में कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाया है। प्रदेश टीम से कुछ लोग सरकार में गए थे और कुछ लोग अन्य कारणों से बाहर हुए हैं, उनके स्थान को भरा गया है। पहले जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नई टीम भी राष्ट्रीय नेतृत्व की अपेक्षा के अनुरूप काम करेगी। वैसे भी राजभर समाज के प्रदेश की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका है, दो राजनीतिक दल इन्हीं समाज के बूते चल रहे हैं, लेकिन आपकी टीम में इन दोनों समाजों से एक भी प्रतिनिधि नहीं है। क्यों? हमने ये कोशिश की है कि प्रदेश टीम में अगले पिछड़े दलित महिलाओं का समायोजन किया जाए, महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। भाजपा बड़ा संगठन है, अभी अग्रिम मोर्चों, प्रकोष्ठों, विभागों में सभी जातियों समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। भाजपा सभी समाजों को साथ लेकर चलेगी। भाजपा ने सभी समाजों को प्रतिनिधित्व दिया है। 2014 से 2022 तक भाजपा को लगातार मिल रही प्रचंड जीत बताती है कि सभी समाज भाजपा के साथ हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी के पदाधिकारी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। निकाय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सरकार की योजना, विचारधारा से जुड़े विषयों और पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्पों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता ने स्वीकार किया है, पीएम के प्रति जनता का विश्वास है। बताएंगे कि जब भाजपा ने जो कहा है वह किया है। दोनों ही चुनाव में भाजपा को भारी जीत मिलेगी, लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीत कर आएंगे। समाजवादी पार्टी ने 2017, 2019 और 2022 चुनाव में गठबंधन किया, पहले दो युवाओं की जोड़ी बनाई, फिर 2019 में दो बड़े दलों का गठबंधन किया, 2022 में भी कई दलों का गठबंधन किया, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन का क्या हश्र हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। अब मायावती, ओम प्रकाश राजभर और कांग्रेस उनके बारे में क्या कह रहे हैं, देश और प्रदेश की जनता का गठबंधन पीएम मोदी और सीएम योगी से है। सपा का गठबंधन तात्कालिक है, निजी एजेंडे पर है, इस बार फिर उनका गठबंधन फेल होगा।